ये प्रेम सदा भरपूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये प्रेम सदा भरपूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में ये अर्ज मेरी मंजूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में अर्ज मेरी मंजूर रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में तन मन सब अर्पण ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में मेरा तन मन सब अर्पण ही रहे। गुरुदेव तुम्हारे चरणों में सभी मुंबई वासियों को हमारा हार्दिक आमंत्रण पड़े तो सेवा को चुनना, क्योंकि साधना से तुम सिर्फ अपना कल्याण करते हो पर सेवा करके तुम कईयों का कल्याण करके अपना भाग्य बना लेते हो। सेवा से बढ़कर साधना ना है तुम। गुरु की सेवा साधु जाने कोई आगे नहीं। वो आप जानते हो आपको क्यों बोले, आप मुंह से क्यों बोले, ये वाणी उसके लिए है, बड़ी कीमती वाणी है। वाणी से वही विचारो जिसकी भक्ति बढ़े, वो हो जाने गुरु की सेवा साधु जाने, साधु कर रहे और बन भी रहे हैं। साधुता ही प्रकट हो रही है। बापू जी ने भी कहा ना, ऋषि प्रसाद करने वालों को ये ऋषि प्रसाद सत्संग ना, ऋषि का प्रसाद आप पहुंचा रहे हैं। जो ऋषि का प्रसाद पहुंचाता है, ऋषि अपना गुरु कृपा का प्रसाद उस तक पहुँचाता है। आखिर तो गुरु कृपा ही है, गुरु कृपा ही केवलम शिष्य से परम मंगलम। बाकी कोई मंगल कर ही नहीं सकता, शिष्य कोई नहीं कर सकता, ना साधना कर सकती है ना उसका कोई तपस्या कर सकती है, जो गुरु कृपा कर सकती है। टोटकाचार्य के कौन थे, कुछ भी तो नहीं जाता था, काखा का भी नहीं आता था टोटकाचार्य, पर गुरु ने बोल दिया आ तो टक, वही गुरु कृपा छलक गई। क्यों, सेवा करते थे टोटकाचार्य, साधना नहीं करते, कोई उनको आता नहीं था कुछ ही, क्या करे समझ नहीं आता, बस गुरु की सेवा बर्तन मानी का गई गुरु की कृपा। अकल्प जन्म कोटि नाम सिद्ध हो गया, बापू जी के पावन सत्संग को सुनकर अपना जीवन हरिमय बनाएं, अपना ये जीवन सार्थक करें पूज्य बापू के सत्संग में। तेरे सुमिरन में हम मगन रहे, तेरे